को नजर आ रही है, इसलिए इतने मंत्री यहाँ पर उतारे जा रहे हैं। अगर काम किया होता तो जनता में अपनी साख बनाई होती तो इन मंत्रियों को या इन विधायकों को उतारने की जरूरत क्या थी। समय आने पर चुनाव में राष्ट्रीय नेता भी आएंगे, प्रांतीय नेता भी आएंगे। कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है, उनका कोई बड़ा नेता उत्तराखंड की ओर इसलिए नहीं आ रहा है कि उनको उनको पता है कि उत्तराखंड के अंदर बहुत बुरी हार होने वाली है, और उनको इस बात का भी डर है कि पिछली बार जो 11 सीटें मिली थी शायद इस बार वो भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपनी इज्जत की खातिर वो लोग इधर नहीं आ रहे हैं। और दूसरी, अगर हम प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस भी बिखरी हुई है, प्रदेश कांग्रेस के अंदर भी अंतर्कलह चल रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है और बड़े हताशा और कुंठा के दौर से कांग्रेस गुजर रही है।